आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई देखने को मिली है। एक बार फिर से सोना तस्करों का कैरियर पकड़ा गया है। विश्वसनीय सूत्रों ने जो अहम जानकारी दिया उसके मुताबिक पाली जिले के बालिका निवासी बताया गया है। फखरुद्दीन कुरैशी नाम इसका बताया जा रहा है। 241 ग्राम सोना जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 40,62,000 रुपए है अभी तक बताई गई है। पकड़े गए सोने का मूल्य स्पाइस जेट की उड़ान से आज दुबई से जयपुर पहुंचा था और कस्टम आयुक्त एससी अग्रवाल ने कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। फिलहाल यात्री से इस मामले में लिप्त अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम कस्टम विभाग ने दिया है और इस दौरान 741 ग्राम सोना जब्त किया गया है जिसकी कीमत 40,62,000 रुपए बताई गई है। एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई और कस्टम विभाग ने जो कार्रवाई की है वो दरअसल दुबई से जयपुर ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी जो आ रही थी। मेरे सहयोगी विमल कोठारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कस्टम विभाग मानकर चले कि एक वो बैरियर जिससे आप चोरी कर कुछ नहीं ले जा सकते, फर्जीवाड़ा करके कुछ नहीं ले जा सकते, तस्करी नहीं कर सकते। नहीं देखिए, जहां तक कस्टम की सतर्कता की बात करें तो आपको याद होगा पिछले सप्ताह ही कस्टम्स ने संडे को ही एक पैसेंजर को अरेस्ट किया था जी, और ये पैसेंजर करीब 1200 ग्राम सोना लेकर के आया था और इसने कोशिश ये की थी कि सोने को एयरपोर्ट के बाथरूम में छुपा करके फिर वहां से पार किया जाए, लेकिन कस्टम्स की सतर्क निगाहों से वो बच नहीं पाया और कस्टम्स ने उसको दर दबोचा। इसी तरह की ये कार्रवाई हुई है। इसमें 741 ग्राम सोना है और 741 ग्राम सोने का मूल्य करीब 40,00,000 रुपए से अधिक इसका मूल्य है। जो ये छिपा कर ला रहा था ये कस्टम्स की निगाहों से बच नहीं पाया जी। अभी कस्टम्स अधिकारी इस बात की पूछताछ कर रहे हैं कि ये किससे तो इसने सोना लिया, किसको पहुंचाना था और उसके बदले में इसको क्या मिला था। ये लोग जनरली कैरियर्स होते हैं, इनको 5-10,000 रुपए के आसपास का कमीशन दिया जाता है, इसके अलावा दुबई आने जाने का किराया दे दिया जाता है, एक दिन ठहराने की व्यवस्था कर दी जाती है। जो सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि ये करीब पिछले हफ्ते ही जयपुर से दुबई गया था और इस हफ्ते वापस लौट आया सोने के साथ में। कस्टम्स की कोशिश तो यही है कि ये जो पूरा गैंग है जो भारत में अवैध रूप से सोने को लेके आ रहा है, सोने की तस्करी को आगे बढ़ा रहा है, इस गैंग का पर्दाफाश किया जाए और कस्टम्स इसे लेकर के काफी कार्रवाई भी कर रहा है। जहां तक पिछले हफ्ते की बात करें तो उसमें जो बंदा सुनील कुमार गिरफ्तार हुआ था उसको जयपुर में दो लोगों को सोना देना था। कस्टम्स ने जैसे ही पूछताछ में उनके पास में जानकारी मिली उन्होंने तुरंत रेड की और उन दोनों लोगों को दबोचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि वो जो दो आरोपी थे, जो दो उस कैरियर के सहयोगी थे, वो दोनों ही फरार हो गए और आज एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक दोनों कस्टम्स अधिकारियों की पकड़ में नहीं आए। जी बिल्कुल विमल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।